छतरपुर की बुंदेलखंड महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी में छात्र कांग्रेस नेता बैंडबाजी के साथ ज्ञापन देने पहुंचे। कांग्रेस के दोनों संगठनों ने कुल सचिव को अलग अलग ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के जरिए युवक कांग्रेस का अध्यक्ष और NSUI के छात्रों ने यूनिवर्सिटी में भर्तियों के नाम पर हो रही भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही छात्रों से विकास शुल्क के नाम अवैध वसूली को लेकर मामले को संज्ञान में लाया है और इस दौरान कांग्रेस नेताओं की पुलिस से काफी बहस भी हुई। देखिए, विश्वविद्यालय जब से अस्तित्व में आया है तब से भ्रष्टाचार और अवैध वसूली जैसी लगातार खबरें आ रही हैं। आज युवा कांग्रेस के द्वारा 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आज न सिर्फ चेताया गया है बल्कि आगे भविष्य के लिए उनको स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि अगर 20 दिवस के अंदर ही हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम समस्त जिले के महाविद्यालयों को बंद करने का काम करेंगे, साथ ही विश्वविद्यालय को भी ताला लगाने का काम करेंगे युवा कांग्रेस। ये ज्ञापन है जो छात्र संगठनों द्वारा लगातार अपनी समस्याओं के संबंध में दिए जाते हैं और उनकी जो समस्याएँ हैं उसके संबंध में ये ज्ञापन दिया गया है और उचित कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आज कार्य परिषद की बैठक भी चल रही है यहाँ पर, तो मैं तो बीच में से निकल के आया हूँ, तो ये ज्ञापन मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन छात्र संगठनों के यहाँ से ज्ञापन आते हैं और हम समय समय पर उनका निराकरण करते हैं।